मिंत्रा की हमारी प्रीमियम शर्ट्स की वीडियो में आपका स्वागत है। टॉमी हिल्फिगर, एडमैन, एचएनएम, मैंगो मैन जैसे ब्रांड्स होंगे और होंगे बहुत सारी वैरायटीज। ऑलराइट, पहला शर्ट आ गया हमारे पास में। डेफिनेटली हम ब्रांड का स्टार्ट करने वाले हैं टॉमी हिल्फिगर के शर्ट से। मस्त सी आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और करते साथ आप एक फर्स्ट इंप्रेशन में चीज फील करोगे। शर्ट काफी ज्यादा हैवी एंड प्रीमियम फैब्रिक से बना हुआ है। रेगुलर बटन डाउन कॉलर आपको देखने को मिल जाएगा। राउंड शेप में मरून कलर के आपको बटन देखने को मिल जाएंगे। हर बटन पे आपको ब्रांडिंग मिलती है। लेफ्ट चेस्ट पे आपको टॉमी हिल्फिगर की एम्ब्रॉयडर्ड ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फुल स्लीव वाला शर्ट है। क्लोजर के लिए यहाँ पर आपको बटन्स देखने को मिल जाएंगे। कफिंग की साइजिंग काफी ज्यादा अच्छी है और बैक में भी यहाँ पर देखोगे तो आपको एक हैंगिंग का जुगाड़ मिलेगा। साथ ही उसके ऊपर में उसे खूबसूरत बनाने के लिए टॉमी जीन्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। छूने में फैब्रिक बहुत ज्यादा स्मूथ और किसी फेनल शर्ट की तरह ना आपको वो हल्की सी ना फरीनेस देखने को मिलेगी और काफी बड़ी बड़ी निटिंग की गई है। एग्जैक्ट अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर यूज हुआ है 100% कॉटन, ऐसा ब्रांड बोलती है। एंड ओवरऑल इसकी फिटिंग भाई कमाल की थी। अभी मैं पहन के कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। डेफिनेटली इन ब्रांड के प्रोडक्ट्स में कुछ तो बात होती है, कुछ तो ऐसी चीज होती है ना जो सॉलिड शर्ट को भी काफी डिफरेंट बनाती है। अगर आप धस के बीच में खड़े रहोगे टॉमी हिल्फिगर का शर्ट, भाई लगता है कि आपने कुछ अच्छा पहना है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा शर्ट आता है यूएस पोलो की तरफ से। ये चरचर चरचर वाला प्लास्टिक ना दिमाग खराब कर देता है। ये है एक बहुत खूबसूरत सा बेज कलर का शर्ट। नॉर्मल कॉलर आपको देखने को मिल जाएगा, ऑफ व्हाइट कलर के आपको बटन्स देखने को मिल जाएंगे विद द ब्रांडिंग। लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक पॉकेट मिलता है जिसके साइड में आपको एम्ब्रॉयडर्ड इनका लोगो देखने को मिलेगा। हालांकि बड़ा ही ना आउटलाइनिश टाइप का और अनफिनिश्ड टाइप का मुझे लोगो ऐसा फील हुआ। ऐसा भरा भरा रहता तो भी काफी अच्छा लग सकता था। पूरे शर्ट की फैब्रिक काफी ज्यादा लाइट वेट एंड एयरी फील होती है। फुल स्लीव आपको मिलता है। क्लोजर के लिए आपको बटन्स देखने को मिल जाएंगे। कफिंग की साइजिंग यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी है, तो अगर आपको इसे ब्लेजर के अंदर भी पहनना है ना वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे की तरफ से हल्का यू शेप का कट आपको देखने को मिल जाएगा और नीचे की तरफ यूएस पोलो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। बैक के साइड में आपको सेंटर पे प्लीट देखने को मिलता है और टांगने का जुगाड़ भी आपको मिल जाएगा। फैब्रिक की अगर एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर यूज हुआ है 100% कॉटन, लेकिन अगर क्लोजली देखोगे ना थोड़ी डिफरेंट टाइप की निटिंग इसमें यूज हुई है, जिसके कारण से ऐसे दूर से भी देखो तो एकदम ही प्लेन सा फैब्रिक नहीं लगता, थोड़ा सा टेक्सचरी फील होता है। ओवरऑल पहन के जब मैंने देखा, अगेन फिटिंग भाई लाजवाब आती है। जो आप फिटिंग देख रहे हो ना, इसमें मैंने कुछ काम नहीं किया। ऐसा नहीं कि पीछे पिन लगा लिया हो बस दिखाने के लिए। ये एग्जैक्ट ब्रांड फिटिंग है। सारे शर्ट्स के एग्जैक्ट डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर दिखते जाएंगे ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या एग्जैक्टली मिलने वाला है। टैग पे यहाँ पर इसके एमआरपी 2299 और इतने में ही हमने भी खरीदा है, अभी भी इतने में ही मिल रहा है क्योंकि सेल आ रहे हैं ना, बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं। उन सारी चीजों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि वहां पर हम बहुत सारे डील्स आपके लिए लाने वाले हैं बैक टू बैक। ऑलराइट, नेक्स्ट शर्ट आता है हमारा मैंगो मैन के तरफ से। बहुत सारे लोग इस ब्रांड को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, एक बहुत प्रीमियम तगड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है और ये एक डेनिम जैसा दिखने वाला शर्ट है। हालांकि इसकी जो बैक स्टोरी है ना वो काफी अलग है, उसे मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर आपको लेपल कॉलर देखने को मिल जाएगा, ठीक किसी डेनिम की तरह आपको मेटल के यहाँ पर बटन देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल ही डेनिम जैसे बटन डाले गए हैं। दोनों चेस्ट पे आपको दो फ्लैप पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, उस पर भी आपको बटन मिलते हैं। इसी जीन्स की तरह यहाँ पर भी आपको मस्टर्ड थ्रेड्स एंड स्टिचेस के डिटेलिंग्स देखने को मिलेगी। पूरे ही शर्ट्स पे घूमती है और बैक की तरफ से पूरा प्लेन है। अब एक नजर में देखोगे ना तो ये शर्ट काफी ज्यादा सिंपल मिनिमल फील होता है और ऐसे ही शर्ट्स आपको हमेशा खरीदने चाहिए जब आप कोई महंगे शर्ट को खरीद रहे हो तो, क्योंकि जितना सिंपल होगे उतना आप उसे पहन पाओगे अलग अलग वेरिएशंस को ट्राई कर करके। यहाँ पर यूज हुआ है 65% कॉटन एंड 35% लिनन, जिसकी वजह से ये शर्ट काफी ज्यादा एयरी, लाइट वेट एंड प्रीमियम फील होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट शर्ट आता है हमारा आजमान के तरफ से। हालांकि दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड और मिंत्रा, हम ये ट्रू रिव्यू करते हैं ताकि आपको एक सही जानकारी दे सके। आजमान का आपको टैग देखने को मिल जाएगा। प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है 3,990 रुपए। कितना आपको पे करना वो एग्जैक्टली हम बताते हैं। और इस शर्ट के कलर का नाम है बर्गंडी। नॉर्मल से आपको बटन डाउन कॉलर देखने को मिल जाएगा, थोड़े से डार्क ग्रे कलर के आपको बटन देखने को मिलेंगे। हालांकि बटन की क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी सी इंप्रूव डेफिनेटली कर सकती थी कंपनी। लेफ्ट चेस्ट पे आपको एम्ब्रॉयडर्ड हाथी का आपको एक लोगो देखने को मिलेगा जो कि आजमान के ब्रांड का लोगो
लोगो है, काफी कूल सा कलर यूज किया है इन्होंने, वो इसलिए मिलता है। क्लोजर के लिए आपको बटन देखने को मिल जाएंगे। अंदर की तरफ देखोगे ना तो यहाँ पर कट में ब्राउन कलर के पैच की डिटेलिंग की गई है, जो कि छोटी सी है लेकिन काफी अच्छा इम्पैक्ट डालती है ओवरऑल लुक पर। नीचे की तरफ आपको हल्का सा यू कट देखने को मिल जाएगा और ठीक एकदम बॉटम में आपको अदमान की ब्रांडिंग भी मिलेगी एम्ब्रॉयडर्ड। अंदर में आपको अदमान का टैग देखने को मिल जाएगा। एम साइज हमने लिया है, रेगुलर फिटिंग के साथ आता है, बैक की तरफ से पूरा प्लेन है। लेकिन क्यों हम इसके लिए 4000 रुपए पे करें, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। फर्स्टली जब हमें पहन कर देगा भाई, शर्ट बहुत ज्यादा प्रीमियम फिटिंग के साथ आता है एंड फैब्रिक इज लिटरली वाओ। मतलब अगर आप छुओगे भी ना, काफी ज्यादा स्मूथ बटरी सिल्क जैसा आपको फील होगा। हालांकि सिल्क जैसा चमकता नहीं है, बहुत ही मैट सा टेक्सचर इसमें डाला गया है और एक बर्गंडी का जो वाइब है ना, काफी डीप टाइप का, ये आपको काफी सटल सा लुक ला कर देगा। सच में बहुत ज्यादा प्रीमियम है। अगर आपको मिनिमलिज्म से प्यार है, अगर आपको सिंपलिसिटी से प्यार है, अगर आप एक एलिगेंट शर्ट चाहते हो ना जिसे आप कैजुअली भी पहन पाओ, फॉर्मली भी पहन पाओ, आप इस शर्ट के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। हालांकि इस शर्ट पे भी आपको कोई वैसा डिस्काउंट नहीं मिलेगा अभी तक, मे बी सेल में आपको मिल जाए, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट शर्ट आता है हमारा जैक एंड जोन्स की तरफ से। बहुत इरिटेटिंग है भाई, हर ब्रांड की ना देखो अपनी एक वाइब होती है और उस वाइब से अगर आप अपने आप को खुद से करेक्टली मैच कर पाओगे ना, तो आप सही प्रोडक्ट खरीद सकते हो। यहाँ पर मैं कोई इंटीग्रेशन ऐसा करने वाला नहीं हूँ। बेसिकली देखो, जैसे जैक एंड जोन्स है वो थोड़े से जेंजी, थोड़े से मॉडर्न कलरफुल कपड़े बनाता है, या सिंपल भी बनाएगा ना तो उसमें काफी मॉडर्न टेक्सचर होगा। लेकिन कई ऐसे ब्रांड्स है जैसे एडमैन को हमने अभी देखा, वो काफी सटल और प्रीमियम से कपड़े बनाएगा। H&M काफी ज्यादा स्विच करते रहेगा ट्रेंड्स में। हर ब्रांड की अपनी वाइब होती है। अगर इस पर्टिकुलर शर्ट की बात करें, ऑफ व्हाइट कलर का ये शर्ट है। राउंड आपको शेप बटन देखने को मिल जाएंगे विद द ब्रांडिंग। लेफ्ट चेस्ट पे आपको पॉकेट देखने को मिलेगा, शॉर्ट स्लीव मिलता है आपको यहाँ पर, और पूरे ही शर्ट में आपको टेक्सचर्स देखने को मिलने वाले हैं, स्क्वायर स्क्वायर टाइप की फिनिशिंग है और ये पूरे शर्ट का फैब्रिक ही ऐसा है जिसके थ्रू इसे बनाया गया है। साइड में आपको जैक एंड जोन्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एग्जैक्ट अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर यूज हुआ है 100% पॉलिएस्टर। अगर इस पर्टिकुलर शर्ट के एक्सपीरियंस की बात करें, पहनने में काफी ज्यादा कूल, सिंपल एंड मॉडर्न लगता है। मतलब अगर देखो तो सॉलिड शर्ट है, लेकिन इन टेक्सचर्स के साथ ना डेफिनेटली इसमें एक डिफरेंट सी वाइब आती है। लेकिन एक सही एडवाइस दूं तो ऐसे शर्ट्स को ना आप सस्ते में भी खरीद सकते हो, क्योंकि काफी ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इस तरह की डिजाइनिंग, इस तरह का फैब्रिक ऑफर करते हैं मच चीपर प्राइस में। ऑलराइट, नेक्स्ट ब्रांड आता है हमारा H&M की तरफ से, एंड दिस नेवर इरिटेट। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस भाई, कितना ज्यादा खूबसूरत शर्ट है। यहाँ पर आपको नॉर्मल सा कॉलर देखने को मिलेगा, लेकिन कॉलर का जो एंड है ना, इसमें थोड़ा सा शार्प सा रखा गया है। ब्राउन कलर के आपको बटन देखने को मिल जाएंगे, बीच में आपको एक स्ट्रिप सा डिजाइन भी देखने को मिलेगा, शॉर्ट स्लीव है। एंड ओवरऑल इस खूबसूरत से सॉलिड ब्राउन शर्ट पे आपको लेफ्ट चेस्ट में एक कॉर्शे पॉकेट देखने को मिलने वाला है, जो कि सिंपल से शर्ट को एक काफी खूबसूरत शर्ट में कन्वर्ट कर देता है। डिटेलिंग काफी ज्यादा अच्छी है, क्लोजली आप अच्छे से देख सकते हो। बैक की तरफ से पूरा प्लेन है। एग्जैक्ट अगर फैब्रिक की बात करें, यहाँ पर डेफिनेटली आपको 100% कॉटन मिलने वाला है, नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है 90% कॉटन एंड 10% फ्लेक्स। अब ये फ्लेक्स क्या होता है, बेसिकली फ्लेक्स कॉटन ही होता है, लेकिन उसमें ना थोड़े से इलास्टिक टाइप के थ्रेड्स को ना निटिंग में डाला जाता है, जिसके कारण से फैब्रिक हल्का हल्का स्ट्रेच होता है एंड डेफिनेटली ये भी हो रहा है। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप पीछे देख लो। आई एम अ फैन ऑफ दिस कलर पैलेट एंड यस, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल शर्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट शर्ट आता है हमारा रेयर रैबिट की तरफ से, एक और खूबसूरत सा लाइट चेक शर्ट। नॉर्मल सा आपको कॉलर देखने को मिल जाएगा, मरून कलर के आपको बटन देखने को मिल जाएंगे विद द ब्रांडिंग। लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक पॉकेट मिलता है और क्लोजर के लिए काफी क्लासिक तरीके से इन्होंने बीच में एक बटन दिया है। अगर चेक्स की बात करें, बहुत ही बेरली विजिबल है ये चेक्स, क्योंकि यहाँ पर आपको मरून कलर के ही ना अदर अदर शेड्स में वो चेक्स देखने को मिलेंगे और कहीं भी थोड़ा सा ब्राउन कलर का यूज किया गया है। बहुत ही डिफरेंट ब्रांड लोगो प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फैब्रिक की अगर एग्जैक्ट बात करें, छूने से काफी टेक्सचरी सा फील होता है और स्मूथ भी। यहाँ पर वैसे यूज हुआ है 100% कॉटन, फुल स्लीव आपको देखने को मिल जाएगा। क्लोजर के लिए आपको बटन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ वाले छोटू बटन को देखो, कितना खूबसूरत ब्लैक एंड गोल्ड कलर का डाला गया है, और अगर जितने भी है वो मरून कलर के भी है। साइड में भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंड यस, फिटिंग अगेन काफी ज्यादा अच्छी आती है। हालांकि रेयर रैबिट के शर्ट को पसंद करने वाली जो मूड होती है ना, वो काफी ज्यादा ना मेरी स्विच करते रहती है। कुछ शर्ट काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ शर्ट ठीक होते हैं, तो ये शर्ट भी ना मुझे बस ठीक लगा, अच्छा है, लेकिन हाँ प्राइस उतना वर्थफुल मुझे नहीं लगा। ओवरऑल लुक कैसी आ रही है, ये सारी चीज आप पीछे देख लो। कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि मुझे तो सिर्फ एक ही चीज पसंद आई, सारी की सारी इसने बेकार पसंद की थी। इतना मत समझने की कोशिश करो कि सबकी पसंद अलग अलग होती है और उन पसंद को ट्रैक कर पाना ना काफी मुश्किल होता है। लोगों के पास अलग अलग बजट होते हैं, तो अगर आपको 10 में से एक पसंद आए ना, तो वो समझो कि आपके पसंद की चीज थी, ना कि बाकी के 9
खराब थे वो किसी और को पसंद आएगा। और एक नई शर्ट आगे हमारे पास में फटाफट से निकालते हैं और इस ब्रांड का नाम है बोहो मैन। इस ब्रांड में आपको स्ट्रीट वेयर फैशन ज्यादा देखने को मिलेगी, लेपल कॉलर आपको देखने को मिल जाएगा, अब ग्रे कलर के आपको यहाँ पर बटन देखने को मिल जाएंगे। पूरे ही शर्ट में आपको टेक्सचर्स मिलने वाले वर्टिकल लाइंस के थ्रू और काफी प्रीमियम लग रहे हैं। ऑल्दो ये कोई कॉर्डुराय फैब्रिक नहीं है तो इसमें ये चीज की भूल मत करना। फुल्ली मिलता है, क्लोजर के लिए आपको बटन देखने को मिल जाएंगे। कफिंग की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी और छोटी है। एग्जैक्ट अगर कॉम्पोजिशन की बात करें यहाँ पर यूज हुआ है 93% पॉलिएस्टर एंड 7% इलास्टीन। ओवरऑल इस शर्ट को पहनने के बाद वाइब काफी ज्यादा कूल सी आती है। ऑल्दो मुझे इसकी फिटिंग ना बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी। अगर आप लेने वाले हो इसकी एक साइज छोटी लेना अपने करंट साइज के हिसाब से। अगेन हमें टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए बहुत सारे सेल्स को देखने के लिए और हम आपकी वैरायटीज को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।